हम मौजूद हैं रोजगार कार्यालय में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मेयर साहब, बहुत ही चर्चित मेयर हैं और बहुत ही जहाँ खड़े होते हैं वहाँ सेल्फियों की लाइन लग जाती है, सेल्फी लेने वालों की। बात करेंगे, आज वोट डालने आए थे सर, आपने मतदान कर दिया? हाँ, मैंने मतदान कर दिया। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज मैंने यही दिया है कि इस समय कुछ और लोगों की सोच में ही नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सोच में है, तो उसी के लिए मतदान करें। मेरा सभी युवाओं से, सभी लोगों से आह्वान भी है कि घर से निकलें, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं और देश की जो नई सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें योगदान करें। आपका एक एक वोट देश की तरक्की के लिए है, देश की ईमानदार सरकार के लिए है, इसमें अपना योगदान जरूर दें और उज्ज्वल भविष्य भारतवर्ष का बनाएं। आप तहसील बरेली सदर में मतदान करने आई, क्या कहना चाहेंगी आज के दिवस? मैं जैसा पूरे शहर में घूमकर देख रही हूँ, मैं कोई बड़े दावे नहीं कर रही, लेकिन भाजपा की स्थिति बहुत खराब है और वो उनके चेहरों पर लिखा हुआ है, जिस तरह से वो, क्योंकि उनकी सरकार है यूपी में, जिस तरह से प्रशासन का और अपने जो उनके जो एक गुंडागर्दी का फायदा उठाने के मार्फत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में जगह जगह उन्होंने झंडों से पाठ रखा है, आचार संहिता लगी हुई है, मुझे बार बार डीएम साहब को फोन करना पड़ रहा है, हर जगह जो है वो बिस्तर लगा रहे हैं तो उसमें भगवे स्क्रीनें ऊपर जो है जो चादर लगी हुई है वो भगवे रंग की लगी हुई है, जगह जगह झंडे लगा रखे, ये क्या है? अगर आप चुनाव में, आपके 7 बार के MP हैं, मंत्री हैं, उनको तो इस तरह का खौफ, इस तरह का डर होना ही नहीं चाहिए। पर बात वही आ जाती है, आप काम नहीं कराएंगे, आप पब्लिक का साथ नहीं देंगे, तो यही हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। और जैसा मुझे मालूम चला है अभी, जिस तरह से अपने IT सेल का, सो कॉल्ड IT सेल, उसका ये गलत उपयोग कर रहे हैं, इस वक्त लोगों को फोन करके लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रशासन को इस वक्त ये कहना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को अगर पकड़ा है तो कम से कम चुनाव के रहते 7 शाम के 6 बजे तक तो छोड़ना नहीं चाहिए था उनको, वो फिर दोबारा वही करेंगे, कौन देखने वाला होगा? हम क्या सारा टाइम कंप्लेन ही करते रहेंगे? तो प्रशासन को थोड़ा और अलर्ट होने की जरूरत है। और किसी तरह के दबाव में योगी जी की सरकार, मैं मान रही हूँ कि भाजपा की सरकार है, ऊपर से नीचे से सब भाजपा का शासन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तो फिर चुनाव लड़ना छोड़ दें, क्या करें? अगर इसी तरह की हरकतें होनी है पब्लिक, लेकिन पब्लिक पर मुझे बरेली की पूरा भरोसा है, मैं ये समझ रही हूँ कि वो इन सब चीज़ों को देख रही है, ये जितने भी हथकंडे अपना लें, मुझे पूरा भरोसा है कि सत्य की ही जीत होगी। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रहित में लोकतंत्र का इस तरह खून ना। थैंक यू वेरी मच।